बिहार की सियासत में जून के महीने में जबरदस्त गर्मी होने वाली है। एक ओर तो 12 तारीख को विपक्षी दलों की महाबैठक होने वाली है, तो वहीं सूत्रों से खबर है कि बीजेपी भी इसी महीने बिहार में 4 रैलियां करने वाली है। जी हां, पूरे साल चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी अपने 9 साल पूरे होने की खुशी में बिहार में भी जश्न मनाएगी। खबर है कि एक रैली में खुद पीएम मोदी आएंगे, वहीं बाकी 3 रैलियों में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के बड़े नेता मोर्चा संभालेंगे। इसका एक इशारा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार का दौरा आप करें और इस महासंपर्क अभियान में लगभग सहमति हमें प्राप्त हुई है कि उनका मिलेगा। अब डेट फिक्स होता है तो मैं बताऊंगा। जून में संभावना है सर आने की, जून महीने में? अब तो 30 जून तक ही हमारा कार्यक्रम है ना, इसी बीच में उनका कार्यक्रम लगभग तय होगा। वहीं विपक्ष की बात करें तो 12 जून को पटना में होने वाली महाबैठक बहुत हद तक 2024 के लिए विपक्षी एकता का कितना महाजुटान हुआ है ये स्पष्ट कर देगी। वैसे तो नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन फिर भी अभी विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने हैं। टीएमसी ने कांग्रेस के इकलौते विधायक को अपने पाले में कर लिया है, तो इधर बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने से परहेज कर रहे हैं। इसलिए 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक देश की दशा और दिशा तय कर सकती है, बशर्ते विपक्ष सर्व सहमति से अपना एक चेहरा चुन ले। अब भले ही जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बता रहे हों, लेकिन विपक्ष की तरफ से वह चेहरा बनेंगे इसकी भी संभावना बहुत कम है। एक टीवी चैनल के सर्वे में 1% लोगों ने उन्हें बतौर पीएम पसंद किया है, जबकि राहुल गांधी को 18 और 6% लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। विपक्ष ने विपक्षी एकता के लिए बिहार को चुना है, तो पीएम नरेंद्र मोदी भी बिहार आकर ही उसका जवाब भी देंगे। कुल मिला के जून का महीना आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी वाला महीना रहेगा।